किड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, कुछ डॉट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है? डॉट है। समझ में आया? क्या है ये? क्या हो गया? ये डॉट हो गया। अब छोटे छोटे जो बिंदी बना रहे हैं वो क्या है? एक बिंदी का एक निश्चित क्या होता है, स्थान इसका निश्चित रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, इसको बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए सी बी कुछ भी। इसको जब भी नाम करोगे, नाम से डिनोट करोगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। ठीक है, समझ में आया? एक बिंदु की क्या होती है? कोई लंबाई नहीं होती है। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, कौन कौन से पॉइंट है? ए बी सी एम एन ओ, ये क्या है? एक बिंदु है, पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लाइन। ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉइंट। अब क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब रेखाखंड। ठीक है, जब दो बिंदु, मतलब ये हो गया वन पॉइंट, ये हो गया टू पॉइंट। जब दो बिंदु क्या होते हैं, दो बिंदु की जो बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ये बिंदु और ये बीच दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा खंड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि क्या है, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक एग्ज़ाम्पल लिए एक्स और वाई। अब इसको पॉइंट को क्या नाम देंगे? एक्स, और इसको वाई। अब ये वाले से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको ऐसे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, और ये थर्ड हो गया। समझ में आया? कितने हो गया रेखा? वन, ये वाला जो कर्व है, और ये स्ट्रेट है, ये भी कर्व है। समझ में आया? ठीक है, हमको कितने अनुसार, कितने तरीके से दिखाए? वन, थ्री टाइप्स की। ठीक है, तो वन और थ्री क्या है? कर्व है, लेकिन जो टू वाला है वो क्या है? सीधा है, स्ट्रेट है। क्या तीनों लाइन को लाइन सेगमेंट कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो क्या है, टू और थ्री, सॉरी वन और थ्री क्या है? कर्व है, लाइन से बाहर है। ठीक है, लाइन है क्या? लाइन दिख रहा है? नहीं। ठीक है, तो टू वाला ही क्या कहलाएगा? सबसे छोटा है, तो ये जो टू है वो क्या है? एक्स और वाई के रूप में इसको कैसे लिखे जाएंगे? एक्स और वाई के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ में आया? हम कह सकते हैं कि जब दो बिंदु एक सीधी रेखा से, मतलब एक सीधी रेखा से जुड़ते हैं तो एक रेखाखंड होता है। समझ में आया? इस टाइप्स के हमको के कर्व को हम रेखाखंड नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके एक लाइन के खंड में एक प्रारंभिक, ये प्रारंभिक बिंदु होती है और एक एंडिंग होता है। समझ में आया? एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, कितने पॉइंट होते हैं? टू पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अब इसके क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, गुण क्या क्या है लाइन सेगमेंट के। ठीक है, लाइन सेगमेंट के गुण क्या क्या है? एक लाइन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, इसके दो अंक हैं। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट होते हैं? टू पॉइंट होते हैं। समझ में आया? लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होते हैं? टू पॉइंट। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो निश्चित रहती, फिक्स रहता है उसका लेंथ, क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। इसका जो लंबाई रहता है वो फिक्स्ड रहती है, और क्या रहते हैं इसमें? टू पॉइंट्स होते हैं। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट होता है और इसमें लेंथ रहता है निश्चित। ठीक है, एक लाइन खंड में एक लाइन का एक हिस्सा है और इसको लंबाई को मापा जा सकता है। इसमें इसके जो लाइन होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, किसके? रूलर की मदद से। समझ में आया? अब पढ़ेंगे, ये हो गया लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, पॉइंट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे सिर्फ लाइन। क्या पढ़ेंगे हम? लाइन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये सीधा
ऐसे खींचे हैं, ठीक है। ये है और ये, यहाँ पे क्या हो गया, टू पॉइंट्स बना ली, एक्स और वाई, ठीक है। रेखा बन, जब दोनों पक्षों पर एक रेखाखंड बनाया जाता है, ठीक है, दोनों साइड ऐसा दिख रहा है ये, तो बना ये जो लाइन जो दिख रहा है उसमें लाइन सेगमेंट है, एक्स और वाई रेखाखंड है कि नहीं है, है, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें, एक्स और वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर में ऐसे और ऐसे, ठीक है, समझ में आया। इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे, समझ में आया, इसको ऐसे हम इसको लिखेंगे, समझ में आया। अब इसका क्या देखेंगे, लाइन का हम प्रॉपर्टी देखेंगे। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब जो लाइन रहते हैं उसका एंड पॉइंट, मतलब नो एंड पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है। इसको फिक्स्ड लेंथ और इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है और इसमें इसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है। और क्या होता है, इसकी लाइन को हम अंतहीन रूप में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम एक कागज़ पर एक रेखा नहीं बना सकते, बल्कि उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, एरो, हम उसके क्या करेंगे, हम इसको एरो से दोनों साइड हम क्या कर देंगे, हम एरो के का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना लंबा है, ये हम बना पाएंगे क्या, अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बनाएंगे क्या, नहीं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, फिर ये क्योंकि ये बड़ा है, उतना बड़ा, समझ में आया, तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये 100 सेंटीमीटर है ऐसा करके। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है, निश्चित नहीं होता है, समझ में आया। फिर आता है, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रे। रे मतलब क्या होता है, क्या होता है, दिशा, ठीक है, डायरेक्शन। व्हेन अ लाइन सेगमेंट, जब एक लाइन होता है, रेखाखंड होता है, तो केवल एक दिशा में ही बढ़ाया जा सकता है। तो हम एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है, मतलब कोई भी रेखाखंड को, तो हम उसको कैसे करेंगे, ये हो गया रेखाखंड, ठीक है। अब इसको हम एक्स और वाई एक ही दिशा में बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इधर बजा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स और वाई है, तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, एक्स से वाई की ओर, किधर बढ़ रहा है, वाई की ओर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर क्या होता है, क्या होता है, एक और लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसा, ये इधर जा रहा है, ये पॉइंट हो गया एक्स और वाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई को पहले वाई लिखेंगे और फिर एक्स, एक्स से किधर जा रहा है, एक्स से वाई से, सॉरी जी, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, वाई से किधर बढ़ रहा है, एक्स की ओर, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई से एक्स की ओर बढ़ रहा है, इसमें एक्स से वाई की ओर, समझ में आया। अब इसके क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी, गुण, क्या क्या गुण है, ठीक है। इसका केवल एक क्या होता है, एक छोर होता है, ठीक है, मतलब एक साइड होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है, समझ में आया। इसका क्या होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है, और क्या होता है, इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है और इसे मापा नहीं जा सकता, ठीक है, समझ में आया। इसको भी हम नहीं माप सकते, क्योंकि एक रे क्या होता है, एक ही दिशा में अंतहीन रूप में क्या बढ़ा जाता है, बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं खींच सकते, ठीक है, कागज़, लेकिन इसके बजाय तीर लगाते हैं, क्या करते हैं हम इसको, इसके जितने लंबाई है उतना हम पूरे कागज़ में तो नहीं खींच पाएंगे, खींच पाएंगे क्या, नहीं, उतना बड़ा तो कागज़, तो हम क्या करते हैं, एरो का निशान लगाते हैं, समझ में आया। अब देखते हैं, अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1, राइट एस फॉर लाइन सेगमेंट, एल फॉर लाइन एंड आर फॉर रे, आल्सो राइट देयर नेम्स एस सो। अब इसमें क्या करना है हमको, जो
दिया है, ठीक है। रेखाखंड दिया है, रेखाखंड के लिए एस और रेखा के लिए एल और रे के लिए आर लिखें और उनके नाम भी दिखाए गए अनुसार लिखें, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेखाखंड ये हो गया रे है, ठीक है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, सिंपल लाइन है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या एक तरफ जा रहा है, रे है, समझ में आया, इधर बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, रे, और ए से बी की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही ये इस क्या है, इसमें दो रेखा, इसमें क्या है, रे टू पॉइंट है, एक्स और वाई, और ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, समझ में आया, और ये क्या है, ए से आर की ओर बढ़ रहा है, समझ में आया, ऐसे फिलअप करना है। फिर आता है नेम द पॉइंट्स मार्क बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स और वाई, एक्स से वाई का जितने भी रेखाखंड है उसका नाम लिखना है, तो कौन कौन सा रेखाखंड है, एल आर एस टी यू, ठीक है, समझ में आया ऐसा। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, टू, समझ में आया, और लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ, समझ में आया। अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, डॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, समझ में आया। प्लेन शेप, प्लेन शेप, ठीक है, जैसे वी नो दैट सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर प्लेन शेप, हम जानते हैं कि जो वृत्त है, त्रिकोण है, वर्ग और आयत है, वो क्या होते हैं, प्लेन शेप में होते हैं। प्लेन शेप कितने डायमेंशन का होता है, टू डायमेंशन, प्लेन है, दिख रहा है, राउंड सर्कल है तो सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल, समझ में आया। साइड एंड कॉर्नर ऑफ प्लेन शेप, अब इसके साइड को देखेंगे, प्लेन शेप में कितने कॉर्नर होते हैं और कितने साइड्स होते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसके लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट प्लेन शेप के साइड्स होते हैं, देखते हैं, उसी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट होते हैं, उसको प्लेन शेप का क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, जैसे ये ऐसा ऐसा, तो इसमें कितने साइड हो गए, वन टू थ्री, कितने साइड हो गए, थ्री, और कॉर्नर कितने हैं, वन टू एंड थ्री, कितने कॉर्नर हो गए, थ्री, ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब वैसे स्क्वायर में देखेंगे, ये साइड हो गया वन टू थ्री फोर, कितने साइड हो गए, फोर, और कॉर्नर कितने हैं, वन टू थ्री फोर, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, फोर, और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, फोर, और इसके आल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसके, स्क्वायर के, समझ में आया, स्क्वायर के आल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ में आया। अब रेक्टेंगल को देखो, इसमें साइड कितने हैं, फोर, वन टू थ्री फोर, और कॉर्नर कितने हैं, वन टू थ्री फोर, कितने कॉर्नर हो गए, फोर, और रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके जैसे इस ये वाले साइड को देखो तो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट साइड कौन है, ये, तो ये इक्वल होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, समझ में आया। अब आता है सॉलिड शेप, क्या पढ़ेंगे, सॉलिड शेप, सॉलिड शेप क्या होता है, हम जानते हैं कि सर्कल त्रिकोण और वर्ग और आयताकार प्लेन शेप में होता है, लेकिन क्या होता है, कोनों और किनारों के लिए क्या होता है, ठोस आकार के भी सतहें होती हैं, मतलब अब देखो ये क्यूब साइड है तो इस दिख तो रहा है, और ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, घनाभ, सिलेंडर, शंकु मतलब कोण, स्फीयर मतलब क्षेत्र, समझ में आया, समझ, ठीक है। तो ये कौन सा शेप है, सॉलिड शेप है, समझ में आया। तो इसके जो क्या है, एज, वर्टाइस एंड फेसेस क्या होता है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके तो पढ़ लें, सिर्फ इसके क्या होते हैं, साइड और कॉर्नर होते हैं, समझ में आया। इसके कितने होते हैं, टू डायमेंशनल, और आगे का इसका देखते हैं, सॉलिड शेप का। एज, वर्टाइस एंड फेस ऑफ सॉलिड, द साइड ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स एज, हम जिसको साइड बोलते हैं उसको सॉलिड में क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। द एज मे बी स्ट्रेट और कर्वा, जो क्या होते हैं, साइड होते हैं, वो क्या हो सकते, एज होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो स्ट्रेट होंगे या तो कर्व होंगे, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू मोर एजेस मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, या
वर्टेक्स या कॉर्नर, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है दो पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, एज मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे वर्टेक्स या कॉर्नर, ठीक है। द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस, मतलब किसी ठोस पदार्थ के सरफेस को उसका क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है, ठीक है। द फेस मे बी फ्लैट और कर्व, द शेप ऑफ द सरफेस द फ्लैट मे बी सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द फिगर। अब क्या होता है, इसका जो फेस है वो सपा फ्लैट या घुमावदार किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है, या सर्कल रेक्टेंगल ये सब उसके फिगर के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं क्यूब, इसमें अब क्या होते हैं एज किसको बोलेंगे, जहाँ पे हम उसको साइड बोलते थे उसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पीछे में ऐसी और रहेगा, ठीक है, 1, 2, 3 तो उसी को क्या बोलेंगे, इतना ही रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका मिला के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, समझ में आया, 12 साइड हो गया और ये हो गया फेस, क्या हो गया ये फेस, ठीक है, फेस इसको बोलेंगे फेस। तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कितने हो गए 6 फेस हो गए, समझ में आया। और एज कितने हैं उसको बता दी, और वर्टेक्स कॉर्नर देखो अब इसका, तो उसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और सॉरी वर्टाइसेस 8 हो जाएगा, ठीक है, कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उधर करके पीछे करके 8, समझ में आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ में आया। वैसे ही क्या होता है, सारे जो सभी क्यूब के जो लंबाई क्या होते हैं, किनारों की लंबाई इक्वल्स होती है, समझ में आया। अब पढ़ेंगे क्यूबेड मतलब घनाभ, ठीक है, एज वर्टेक्स फेस, इसमें भी वैसे ही काउंट करेंगे, समझ में आया। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 8 और नंबर ऑफ फेस 6, समझ में आया। ये क्या है सिलेंडर, इसका ये जो फेस है ये है इसका फेस, मैं बोली थी ना फेस सॉलिड का फेस क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है, तो ये सिलेंडर में उसका फेस कैसा रहता है, कर्व रहता है, ठीक है, एज फेस, समझ में आया। तो इसमें एज कितने हैं 2, वर्टेक्सेस इसमें कॉर्नर है क्या, नहीं है, तो 0, नंबर ऑफ फ्लैट फेस 0, ठीक सॉरी 2, फेस कितने हैं 1 और 2, समझ में आया, नंबर ऑफ कर्व 1, समझ में आया, कर्व फेस एक ही टू है सीधा, समझ में आया। वैसे ही अब पढ़ेंगे कोन, यह है कोन, यह है उसका वर्टेक्स, यह है कर्व फेस और यह है उसका कर्व एज, तो सारे चीज़ें इसमें क्या रहता है 1, 1, 1, 1, एज वर्टेक्स फ्लैट फेस या कर्व फेस दोनों को काउंट करेंगे ना, समझ में आया। और ये होता है स्फेयर मतलब क्षेत्र, कर्व फेस ये सीधा क्या रहता है, गोल रहता है, ठीक है, इसमें ना तो एज रहता है ना वर्टेक्स रहता है ना फेस रहता है, सिर्फ इसमें क्या रहता है एक कर्व फेस रहती है, समझ में आया। अब इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, फील करना है, वी शेप डू द फॉलोइंग थिंग है, ठीक है, समझ में आया, इसको हमको बनाना है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, गिव वन वर्ड आंसर, टिक द करेक्ट शेप और फिलिंग द ब्लैंक्स, समझ में आया। पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी संख्या के क्रम में रखा जाता है तो वो एक क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, समझ में आया। हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी देम ऑन साड़ीज ऑन कारपेट्स ऑन विंडो ग्रिल्स और इवन इन नेचर, हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, साड़ी पे कारपेट पे या विंडो पे ग्रिल में, ये जो हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इसको देखो ये वाले कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक है, तो एक पैटर्न है बना हुआ है, ठीक है। वेरी ऑफ्टन पैटर्न आर फॉर्म बेस्ड ऑन सम रूल्स, ठीक है, कुछ नियम के आधार पर बहुत बार पैटर्न बनाए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 7.3, दिस पैटर्न रिपीट कैन यू ड्रॉ ऑन द नेक्स्ट, अब देखो पहले सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा सर्कल, समझ में आया। वैसे ही इसको देखो ये बना हुआ है
फिर ये बना हुआ है, वैसे ही इसके बाद क्या होगा, दो ऐसा बनाएंगे, फिर एक लंबा वाला ऐसा, समझ में आया। वैसे ही ये वाला देखो, पहले ऐसा वन बढ़ा, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, फिर इधर फोर आएगा, फिर इधर भी फोर आएगा, समझ में आया। वैसे ही इसको बनाना है, वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री, अब फिर इधर कितना हो जाएगा, फोर बॉक्स हो जाएगा, समझ में आया। वन टू थ्री देन फोर, समझ में आया। अब इसको भी काउंट करो, पहले वन था, टू सर्कल, थ्री सर्कल, फोर, फिर इसमें कितने बन जाएंगे, फाइव, समझ में आया, कितने बनाना है, फाइव। वैसे ही इसमें सर्कल है, दो है, फिर चार हुआ, फिर एट हुआ, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, उसको बनाना है, समझ में आया। ये पूरा पैटर्न है, उसको आपको बनाना है, ठीक है। लेट्स रिवाइज में देखोगे, फिलिंग द मिसिंग नंबर, इसमें कौन क्या क्या चीज़ें हैं उसको लिखना है, मिसिंग नंबर को, समझ में आया। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर ऑफ फेस, इसको पहचानो और उसमें जो फेस है, एज है, कॉर्नर है, उसको लिखना है, समझ में आया। क्या है इसको, ये सिलेंडर है और ये क्या है, उसको बताना है, ठीक है। ये क्या है, क्यूबिट, ठीक है। फिर ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ राइट द नेक्स्ट शेप नंबर, अब इसमें क्या करना है, जो शेप दिया है उसको आगे हमको बनाना है इस वाले में, समझ में आया, नेक्स्ट शेप, ठीक है। और नंबर दिया है तो उसको नंबर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, सेवनटीन, ऐसा, समझ में आया। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, मेजर इसमें क्या करना है, हमको इतने सेंटीमीटर का क्या करना है, हमको स्केल्स के थ्रू, जैसे कि ये स्केल्स है,